जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है जी, एमडी कैट के हवाले से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी एंट्री टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो उसमें आपको क्वांटम नंबर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझना, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसको समझना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जहन में रखने, और इसमें से थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हम पहले थोड़ा सा टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पास पेपर्स में, या आप कह लें कि एंट्री टेस्ट वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन जिसमें से आ सकते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं आप यूँ कह सकते हैं, विच डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम नंबर्स, इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो बोहर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं उसमें जो बोहर का कॉन्सेप्ट था, अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें सिंपल जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कॉन्सेप्ट था कि लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन फिक्स्ड पाथ, और इन फिक्स पाथ को बोहर ने नाम दिया था ऑर्बिट्स का, कि बेसिकली दीज आर ऑर्बिट्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। लेट सपोज इफ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और बेसिकली ही कैलकुलेटेड द एनर्जी एंड डिस्टेंस, रेडियस कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, सो ही कैलकुलेटेड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, बट फिर लेटर ऑन जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आया और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो जो वेव मैकेनिकल अप्रोच एटम के बारे में सामने आई, तो उससे फिर ये चीज़ क्लियर हो गई कि बेसिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन टाइम। इलेक्ट्रॉन जो है ये इतना छोटा पार्टिकल है कि आप इसकी पोजिशन को किसी भी गिवन टाइम पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि 100% सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट कैन बी प्रेजेंट एनी वेयर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव लाइक अ वेव, अ मैटर वेव, एंड इट कैन बी प्रेजेंट एनी वेयर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, सो बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस था और जो अप्रोचेस थी वेव मैकेनिकल अप्रोच, तो उस सारी चीज़ों से ये चीज़ क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स्ड पाथ पे रोटेट नहीं करता, रिवॉल्व नहीं करता, इट कैन बी प्रेजेंट एनी वेयर अराउंड द न्यूक्लियस, और फिर उस प्रोबेबिलिटी रीजन को फिर हमने नाम दिया ऑर्बिटल्स का, जो कि हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के बाद श्रोडिंगर्स ने इन 1926 ही गेव दी वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है जी, सो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये दिस कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर्स कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है जी, दिस कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। डिटेल्ड इक्वेशन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली दीज आर द वेरिएबल्स ही यूज्ड इन हिज इक्वेशन, एंड देर आर इन टोटल 4 क्वांटम नंबर्स, बट 3 ऑफ देम कम फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन। सो अगर हम आसान लफ्जों में बात करें तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, दिस गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वक्त में एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व नहीं करता, ऑर्बिटिंग नहीं करता अराउंड द न्यूक्लियस। सो ये बेसिक मतलब आप कहने के किसी भी पोजीशन पे कहीं भी मौजूद हो सकता है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, दे गिव द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। काफ़ी सारी जगहों पर आप इसको पढ़ेंगे कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये एक तरह से एड्रेस हैं, दिस इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के अंदर कौन से शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो दिस गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहाँ पे, किस पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। अच्छा जी, फिर थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी यूज्ड
टू डिटरमिन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम. बेसिकली आप इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके जो रूल्स हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एंड द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. तो देर आर बेसिकली फोर क्वांटम नंबर्स, थ्री ऑफ विच, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि थ्री ऑफ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन. तो चार में से तीन क्वांटम नंबर, जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस कम्स फ्रॉम बोहर. सो बोहर ओनली एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. एंड जो बाकी के तीन हैं, इनको यानी आप जैसे बेसिकली बोहर का जो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स पाथ, तो वो जो फिक्स पाथ है वो बेसिकली आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, मेन शेल. देन फिर नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस था, उससे ये चीज़ सामने आई कि विद इन एन ऑर्बिट, विद इन अ शेल, देर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. एक एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी एक जैसी नहीं है, ठीक है. तो उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं दूसरे क्वांटम नंबर्स, ठीक है. तो और जो दूसरे क्वांटम नंबर्स हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एम. सो दीज थ्री क्वांटम नंबर्स, दे कम फ्रॉम वेव इक्वेशन गिवन बाय श्रोडिंगर्स, एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो ये चार क्वांटम नंबर्स हैं विच गिव्स दी विच हेल्प्स अस इन इन लोकेटिंग दी इलेक्ट्रॉन विद इन दी एटम. किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपने लोकेट करना है विद इन दी एटम, तो ये चार क्वांटम नंबर्स जो हैं ये हेल्प करेंगे, ठीक है. क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जी बेटा. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम पहली बात कर चुके हैं कि क्वांटम नंबर्स जो हैं, इट गिव्स दी पोजिशन, दी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसी तरीके से है कि जैसे आपने किसी पर्सन का सिटी नेम बता दिया, जब आप एड्रेस बताते हैं तो उसमें शहर का नाम, स्ट्रीट नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ जस्ट लाइक कि आपने सिटी नेम जो है बता दिया कि किस शहर में जो है वो रहता है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स दी मेन शेल, दी एनर्जी लेवल, कि कौन से एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल और थर्ड शेल. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. इट डिनोट्स द प्रिंसिपल शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, विच प्रिंसिपल शेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ठीक है. तो बेसिकली बोहर ने भी इसकी बात की थी, बोहर ने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ये सारी चीज़ बोहर ने भी डिस्कस की थी, ठीक है. बट फिर हमें ये मालूम है कि हर एनर्जी लेवल के अंदर फर्दर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको दूसरे क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करेंगे. बट फॉर नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द मेन एनर्जी लेवल, द मेन शेल. सो दिस ऑल्सो रेफर्स एज मेजर एनर्जी लेवल, ठीक है. सो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल आई थिंक सबको मालूम है, ऑर्बिटल, दिस टर्म इज़ यूज फॉर द प्रोबेबिलिटी रीजन, ठीक है जी. ऑर्बिटल टर्म जो हम यूज़ करते हैं, जिनको क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे एक दफा इसकी डेफिनेशन लिख दूँ. ऑर्बिटल इज़ बेसिकली, दूसरे लेक्चर्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी. ऑर्बिटल इज़ बेसिकली, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी region where chances of finding an electron is maximum. तो आगे next हम इसके ऊपर lectures बनाएंगे, ठीक है. But for now हम बात कर रहे हैं कि जो principal quantum number है, principal quantum number, it decides the size of the orbital. ये आपको size of the orbital, for example, let's say if I say कि जी first energy level है, principal quantum number, if n is equals to 1, so that means it would be closer to the nucleus, ठीक है जी. जो orbital size है वो small होगा. If we talk about second energy level, n is equals to 2, so now the electron, इसका जो distance है nucleus से, वो बढ़ गया, ठीक है. तो first energy level के जो orbitals होंगे, उनके size या उनके radius small होंगे as compared to the orbitals of second energy level. Suppose we say कि जी 1s और 2s, सो सेकेंड शेल का एस ऑर्बिटल, इट वुड हैव अ लार्जर रेडियस. इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट दी एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, तो जो थर्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होंगे, उनके साइजेस, उनके रेडियस और बढ़ जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, कि इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऑब्वियसली जैसे जैसे रेडियस बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, ठीक है.
अच्छा नेक्स्ट इट हैज़ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज़ नॉन जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फर्स्ट एनर्जी लेवल वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी, और दो जो आपको जो आप कह लेंगे जो रियल एटम्स हैं उनमें हमें अप टू सेवन ये नंबर्स मिलते हैं, बट दिस कैन मूव अप टू इन्फिनिटी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट वी कैन ऑल्सो से एनर्जी लेवल, ठीक है जी. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसर्न. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n. सो 2n² ये फॉर्मूला है विच विल गिव यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस 2n² दिस गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है. यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से के इफ n इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एनर्जी लेवल. सो 2n की वैल्यू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल वुड बी 18. वी वुड हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो एक छोटा सा टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ. लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एनर्जी लेवल, इफ n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इनको हम अल्फाबेटिकली भी डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इनकी जो अगर हम अल्फाबेटिकली डेजिग्नेट करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एन इज इक्वल्स टू 1, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, के शेल. सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल शेल. देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, देन एन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट वुड बी एन की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड एनर्जी लेवल एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8. थर्ड में भी हम काउंट कर चुके हैं 18, फोर्थ में 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आसान लफ्जों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द एनर्जी लेवल, टू विच एनर्जी लेवल, टू विच प्राइमरी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. देन फिर फर्दर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा सबशेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, वो दूसरे क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं. बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू द नेम ऑफ द सिटी, टू विच शेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ठीक है जी. आखिरी बात इसमें कर लेते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, हायर द वैल्यू ऑफ एन, higher will be the energy of electron. Obviously, as we move away from the nucleus, जैसे जैसे आप nucleus से दूर होते जाएंगे, let's suppose that this is nucleus, this is n is equals to 1, this is n is equals to 2, this is n is equals to 3. So, as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus, let's say if we say ki ji, if the this is the electron of first energy level, this is the electron of second energy level, this is the electron of third energy level. So, जो third energy level वाला electron है, this electron, इस पे nucleus का hold सबसे कम है. So, this would be most energetic. As we move away from the nucleus, the energy of the electrons would increase. And this is what we are saying here, that higher the value of n, जैसे जैसे n की value बढ़ेगी, higher will be the energy of electron, because nucleus का जो hold है वो weak पड़ता जाएगा, as the hold of nucleus weakens, ठीक है जी. न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता जाएगा, ये चीज़ आगे चल के हम आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में डिस्कस करेंगे, शील्डिंग बढ़ जाएगी, एंड साइज ऑफ द एनर्जी लेवल वुड बी लार्जर. ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स के जो साइज हैं, रेडियस जो हैं, वो भी बढ़ते जाएंगे. सो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच गिव्स द मेन एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. आई होप सबको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई हो, ठीक है जी. जी बेटा, तो अब नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमने डिस्कस करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो सेकंड नंबर ऑफ क्वांटम नंबर है, दैट इज़ नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है जी. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अच्छा अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं,
आपको अलग अलग बुक्स में डिफरेंट नेम्स मिलेंगे और ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पेपर में कोई भी नेम आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये नाम बड़ा कॉमन है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और दी ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर। अच्छा, अब इन सारे नेम्स का कुछ ना कुछ रीज़न है कि हम इनको ये नाम क्यों दे रहे हैं क्वांटम नंबर। ऐसे म्यूथल क्वांटम नंबर सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहलाता है बिकॉज दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंडरी एनर्जी लेवल, सब लेवल की बात करता है। ठीक है, एक तो मेन एनर्जी लेवल है सेकेंड शेल, फिर उस सेकेंड शेल में जो सब एनर्जी लेवल्स हैं, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर उन सब एनर्जी लेवल्स की बात करता है कि कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करता है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और आप इसको ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर कह सकते हैं बिकॉज इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो प्रोबेबिलिटी रीजन है, उस प्रोबेबिलिटी रीजन की शेप कैसी है। ठीक है, तो एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर इट रेफर्स टू द एनर्जी सब लेवल विद इन ईच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। जैसे मैंने आपसे ऊपर बात की कि ये आपको एनर्जी सब लेवल की इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से सब लेवल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ईच एनर्जी लेवल हैज़ इट्स ओन सब लेवल एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल। पहले एनर्जी लेवल में कोई सब लेवल्स नहीं है, बट उसके बाद जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो वहाँ पर सब एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। अच्छा जी, तो अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें, इन सिंपल वर्ड्स इट डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है जी, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी शेप कैसी है, ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और एल की जो वैल्यूज़ हैं, या आप कहने की जो इसकी रेंज है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज है दी फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, सो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एन, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, means all the whole number values, all the whole number values from 0 to n minus 1. So each of which refers to energy sub level, ke kitne sub levels involved hain. For example, ab zara isko thoda sa samajhte hain hum. Matlab let's suppose if I say ke n is equals to 1, means pehle energy level ki baat ho rahi hai. So then the values of l would be 0 to n minus 1. This is the range of azimuthal quantum number. So if n is equals to 1, that means l would be equals to 1 minus 1. Agar aap n ki jagah pe 1 put karte hain, so we get 1 minus 1, that would be equal to 0. So that means if n is equals to 1, l jo hai wo 0 ke barabar hoga. And if n is equals to 2, if n is equals to 2, then it would be 0 to n minus 1. To matlab ek value to ho gayi 0, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, सो 2 माइनस 1 दैट वुड बी इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स इन सेकेंड एनर्जी लेवल देर आर 2 सब लेवल्स. ठीक है, आपके पास जो रेंज है l की वो क्या है, 0 टू n माइनस 1. सो पहली वैल्यू 0 हो गई, फिर n में से माइनस करते जाएँ 1, सो दैट मीन्स आपके पास जो सेकेंड एनर्जी लेवल है इसके लिए l की वैल्यूज कितनी है, 0 1. फिर ऐसी थर्ड एनर्जी लेवल में आ जाए, इफ एन इज इक्वल्स टू 3, सो देन वैल्यूज ऑफ एल वुड बी 0, राइट, एंड एन माइनस 1 इज इफ एन इज 3, दैट मीन्स एन माइनस 1 वुड बी 2. सो 0 टू 2 आपने जाना है ऑल द होल नंबर, सो 0 1 2 3 एनर्जी सब लेवल्स. सो दैट मीन्स वी कैन से के इन थर्ड एनर्जी लेवल there are 3 sub energy levels, 0 1 2. Similarly, if n is equals to 4, then sub energy levels would be n minus 1, 4 minus 1 is 3, so the values of l would be 0 1 2 3. So fourth energy level has 4 energy sub levels, 0 1 2 3, right, and we are going to discuss these 4 sub energy levels. There are total 4 sub energy levels. अच्छा, इनको फिर हम alphabetically represent करते हैं,
These sub energy levels, they can be represented by, so the values of L, there are four values of L, 0, 1, 2, 3, right? 0 is represented by S sub energy level, 1 is P sub energy level, 2 is D sub energy level, and 3 is F sub energy level, right? These are four sub energy levels, S, P, D, F, and each sub energy level has fixed number of electrons present in it. Fixed number of electrons. So for example, S can accommodate 2 electrons, P can accommodate 6 electrons, D can accommodate 8 electrons, and F mein kitne electrons aa sakte hain, 14 electrons. Maximum itne electrons aa sakte hain. Theek hai, ye aapke paas maximum number of electrons aa gaye in each sub energy level. So for example, if we talk about the first energy level, that means it has only one subshell, that is 0, that means we are talking about S subshell. In second energy level, there are two subshells, S and P. P is represented by 1, right? In third energy level, there are three sub energy levels, S, P, D. And in fourth energy level, there are four sub energy levels, S, P, D, and F. Alright, so ye aapke paas sub energy levels aa gaye. So I hope yahan pe baat clear ho rahi hogi. So basically that's what we are saying here, ke for any given value of n, for any given value of n, azimuthal quantum number ranges from 0 to n minus 1. Means all the whole number values from 0 to n minus 1, each of which refers to energy sub level. So 0, 1, 2, 3, 0 represent S sub energy level, 1 represent P sub energy level, or phir inme number of electrons bhi fixed hai. So the total number of such possible energy sub levels in each principal energy level is numerically equal to the principal quantum number of the level under consideration. ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने सब लेवल्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वांटम नंबर की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट क्वांटम नंबर की, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो उसमें एक एनर्जी लेवल होगा, एक एनर्जी सब लेवल होगा एस. सेकेंड शेल की बात हो रही है, सेकेंड एनर्जी लेवल की, इट वुड हैव टू एनर्जी सब लेवल्स, 0 एंड 1. मतलब जो भी आपके पास एनर्जी लेवल है उसमें उतने ही सब लेवल्स होंगे. थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब लेवल्स होंगे. थर्ड एनर्जी लेवल इट हैज़ 1, 2, 3 सब लेवल्स. फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 सब लेवल्स होंगे, 1, 2, 3, 4. सो मतलब जस्ट सिंपल, आपने इसको 5 की हम बात नहीं करते, ठीक है, हमारे पास जो सिलेबस है वो 4 तक का है. तो इसमें सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ सच पॉसिबल सब लेवल्स, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में कितने पॉसिबल सब लेवल्स होंगे, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द लेवल अंडर कंसिडरेशन. मतलब अगर सेकेंड एनर्जी लेवल की बात हो रही है तो उसमें 2 सब लेवल्स होंगे. थर्ड एनर्जी लेवल की बात हो रही है तो उसमें 3 सब लेवल्स होंगे. फोर्थ एनर्जी लेवल की बात हो रही है तो उसमें 4 सब लेवल्स होंगे. एंड दीज सब लेवल्स आर सिंबलाइज्ड बाय द लेटर्स एस, पी, डी, एफ, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एस, पी, डी, एफ, राइट. एंड यहीं से फिर हमें ऑर्बिटल शेप मालूम हो जाती है, बिकॉज एस सबशेल मीन्स एस ऑर्बिटल, पी सबशेल मीन्स पी ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल, डी ऑर्बिटल की शेप सॉसेज, एंड एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो इसकी शेप हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते, जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखेंगे, एस ऑर्बिटल ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी रीजन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है. पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल्स हैव सॉसेज शेप, एंड एफ ऑर्बिटल्स आर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो नो नीड टू ड्रॉ दी शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स हियर. अच्छा जी, अब ये है कि इसको फाइनली थोड़ा सा लास्ट में क्लियर करने के लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो
n value and then l value. Azimuthal quantum number, subshell. ठीक है, तो लेट सपोज इफ द एन वैल्यू इज वन, दैट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन एल वैल्यू वुड बी जीरो, एन माइनस वन इज जीरो. सो दैट मीन्स इस सबशेल कौन से इन्वॉल्व है, एस. ठीक है, सो ये अब जो एस सबशेल है कौन से सब, मतलब इट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल. सो द वे इट वुड बी रिटन, इट वुड बी लाइक वन एस. वन एस मीन्स एस सबशेल ऑफ फर्स्ट shell, right? As if the n value is 2, that means l values would be 0 and 1, 0 to n minus 1. So 0 to n minus 1 would be 1. So subshells kaun se involve hai, s, p, and the way it would be written, it would be 2s, 2p. Second shell ka s subshell, second shell ka p subshell. Then if the value of n is 3, l values would be 0, 1, 2. Subshells S, P and now D is also involved. ठीक है, so that would be 3S, 3P, 3D. If the N value is 4, fourth shell, then L values would be 0, 1, 2, 3 and subshells would be S, P, D and F. So the way it would be written, 4S, 4P, 4D and 4F. Alright, so that means the number of shells or number of subshells, that means the number of subshells, if the value of n is 1, first shell, the number of subshells are 1. N value 2, number of subshells 2. You can see 2s, 2p. N value 3, number of subshells 3. N value 4, number of subshells 4. So matlab kehne ka maksad ye hai ki jo bhi n value hogi, number of subshells bhi utne hi honge. Theek hai, number of subshells bhi utne hi honge. And you can count the number of electrons as well. Let's count the electrons as well. So 1s, s mein kitne electron aate hain, 2. So that means in first shell we would have 2 electrons. Second shell s mein 2 electrons, p mein 6 electrons, so in total second shell would have 8 electrons. Third, 2 plus 6 plus d mein 10, total 18 electrons. Fourth, 4s, 2, 6, 10 aur f mein 14. So if we calculate them, 14 plus 10, that would be 24, 24 plus 6, 30, so total 32 electrons. So the number of electrons are also justified. ठीक है जी, so ये आपके पास, this is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number काफी ज़्यादा important है, इसके different names ज़हन में रखें. ठीक है, क्या पता लग रहा है इससे, it gives the shape of the orbital, which orbital we are talking about, it gives the energy sub level, कौन सा sub level है. ठीक है, alright जी, so ये हमारे पास हो गया azimuthal quantum number and next we will discuss the magnetic quantum number. अच्छा जी बेटा, अब next जो quantum number हम discuss करने जा रहे हैं, this is known as magnetic quantum number. ठीक है, magnetic quantum number is represented by m. Now, what is magnetic quantum number? It gives the orientation of the orbital, ठीक है, the probability region. जिस probability region में electron मौजूद है, उसकी orientation बताता है कि either it is aligned on x-axis, on y-axis. So there are certain orbitals जिनकी orientations same होती है. For example, s orbital है, वो एक ही तरह से हमेशा aligned होगा. बट जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, तो इनकी ओरिएंटेशंस चेंज होती हैं, और कब चेंज होती हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं. तो इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, देयरफॉर आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर. ऑल्दो ये नाम इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल इसको याद रखें कि बिकॉज इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, वी आल्सो कॉल इट ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर. ये ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहलाता है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एन की वैल्यू और एल की वैल्यू सेम हो,
दे मे स्टिल डिफर इन देयर बिहेवियर, ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी n की वैल्यू l की वैल्यू सेम है बट दे स्टिल डिफर इन देयर बिहेवियर एंड दिस इज ड्यू टू द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कि कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, और ये हमें कहाँ से पता लगेगा, दिस कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. बेसिकली होता क्या है कि ऑर्बिटल्स और आर दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जहाँ पे मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी रीजन है, विच आर डिफरेंटली अलाइंड इन स्पेस व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट. ठीक है, ज़ीमन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि दी ऑर्बिटल्स दे गेट differently aligned when they are subjected to magnetic field. Like हम कहते हैं कि in the absence of magnetic field, in the absence of magnetic field, सारे orbitals आपको एक ही तरह से aligned मिलेंगे. But when they are subjected to magnetic field, they get differently aligned. तो ये जो different alignment है in external magnetic field, in the presence of external magnetic field, this is called Zeeman effect. ये Zeeman effect कहलाता है, ठीक है. एंड बेसिक यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये तीसरा, मतलब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में जो तीसरा, पहले सबसे पहले आपने बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो कि मेन शेल बताएगा, देन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि सब शेल बताएगा कौन सा सब शेल है, ठीक है, ऑर्बिटल, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया ओरिएंटेशन, आइदर इट इज़ अलाइंड ऑन द एक्स एक्सेस, आइदर इट इज़ अलाइंड ऑन वाई एक्सेस, ऑन जेड एक्सेस, वो कहाँ से पता लगेगा, दिस कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. यानी आपको ये तो पता लग गया कि पी सब शेल का ऑर्बिटल है. अब पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल हैं, अभी हम बात करते हैं इसकी, तो उन तीनों में से किसकी बात हो रही है वो पता लगेगा हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है जी. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे डेजिग्नेट द एग्जैक्ट ऑर्बिटल इन विच आर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. लाइक जस्ट मैंने भी आपसे कहा कि पी सब शेल में तीन किस्म के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तो उन तीनों में से किसकी बात हो रही है ये आपको पता लगेगा फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट डेजिग्नेट द एग्जैक्ट ऑर्बिटल इन विच आवर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड ईच सब शेल हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल्स. तो चले अब जरा थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट सपोज, अच्छा ये लास्ट पॉइंट भी देख लें पहले एक दफा. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, जैसे कि हमने पहले बात कर ली. द वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम माइनस l थ्रू जीरो टू प्लस l, मेकिंग अ टोटल ऑफ 2l प्लस 1. ठीक है, लाइक हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन a subshell, number of orbitals in a subshell that is equals to 2L plus 1, where L is azimuthal quantum number, ये आपको मालूम है, this is azimuthal quantum number, ठीक है, तो कितने orbitals हैं ये आपको इस formula से पता लग सकता है, this is equals to 2L plus 1, for example अगर हम कहें कि if L is equals to 0, that means we are talking about S subshell. तो S subshell में कितने orbitals होंगे, S subshell में कितने, और L 0 जो है ये आपको मालूम है L की 4 values हैं, 0, 1, 2, 3, 0 represent S, P represent, 1 represent P, 2 represent D and 3 represent F. So if we are talking about, if L is equals to 0, that means we are talking about S subshell. S subshell में कितने orbitals होंगे, और we can say इसकी कितनी orientations होंगी in an external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसकी कितनी ओरिएंटेशंस होंगी ये आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. 2L प्लस 1, सो 2L की वैल्यू 0 प्लस 1, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1. सो दैट मींस S सबशेल की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, ठीक है, बिकॉज ये स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल शेप की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन रह सकती है. इफ L इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट P सबशेल. सो 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट वुड बी 2 plus 1, that is equals to 3. So that means P subshell has 3 different orientations. 3 different orientations when subjected to external magnetic field.
ऑल राइट, सो इट वुड हैव थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस। और इसकी जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है, इट रेंजेस फ्रॉम, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इट रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। दैट मीन्स इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो, एम वुड बी इक्वल टू, एम वुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। इफ एल इज इक्वल्स टू वन, एल इज इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पी सबशेल। और अभी हमने देखा पी सबशेल में तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं। अब वो कौन कौन सी होंगी? दैट वुड बी माइनस एल, जो इसकी रेंज होगी, एम की जो रेंज है, दैट इज माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? तीन। अब कौन कौन से हैं? दैट वुड बी माइनस वन, जीरो, प्लस वन, बिकॉज एल इज इक्वल्स टू वन, एम वुड बी इक्वल टू माइनस वन, जीरो, प्लस वन। थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ऑल राइट, विच आर ऑल्सो नेम्ड एज, माइनस वन इज नोन एज पी एक्स, जीरो इज नेम्ड एज पी वाई, एंड वन इज प्लस वन इज पी जेड। सो दीज आर थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ पी सबशेल, पी ऑर्बिटल्स। One is px when the dumbbell is around x-axis, one is py when the dumbbell is around y-axis, and one is pz when the dumbbell is around z-axis. ठीक है, likewise if l is equals to 2, then let's just calculate how many orbitals it would have. L is equals to 2, m would be equal to 2l plus 1, number of orbitals, that would be 2 into 2 plus 1, that would be 5. 5, and 5 means, we have just discussed this thing, that m, the range of m is minus l to 0 to plus l, so that would be starting with minus 2, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, 5 different orientations. If l is equals to 3, then number of orbitals would be m is equals to 2 into 3 plus 1, so that would be equal to 7. And the values of m would be minus 3, starting with minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, 7 different orientations. So this is how this can, this is how we calculate or we find out that how many orbitals a subshell has, magnetic quantum number kya hai, kitni different orientations hain. I hope ye clear ho gayi hogi baat sari. Acha, isme ek aur cheez main zara add kar lo ke the number of orbitals, यानी ये जो आपने formula देखा है 2l plus 1, 2l plus 1, this gives the number of orbitals in subshell. Alright, this gives the number of orbitals in a subshell. Now there is another formula, n square, this gives the number of orbitals in a shell. कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल. एंड ये थोड़े से फॉर्मूले क्योंकि एमडीकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपके पास पहला फॉर्मूला क्या आ गया, 12 प्लस वन, दिस गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल. सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया, एन स्क्वायर, दिस गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल. एंड बिकॉज ईच ऑर्बिटल हैज टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, ये भी चीज ध्यान रखें, ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी रीजन, एंड ईच ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट मीन्स अगर मुझे शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखने हो, एन स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, और मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स देखने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट अब ये ज्यादा सेंस देगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. एंड क्योंकि हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम इसको डबल कर दें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन अ शेल, टू एन स्क्वायर. सो ये तीन फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, 2l प्लस 1. ये तीन फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने. ठीक है, सो आई होप बेटा कि यहाँ तक बात सबको अब क्लियर हो गई होगी. हमने तीन क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर l, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m.
थोड़ा सा मैं इसको समराइज करता हूँ. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस गिव्स शेल, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन एड्रेस है. किस तरह से चल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको मेन शेल एनर्जी लेवल. एज ए न्यूट्रल क्वांटम नंबर दिस गिव्स दी सब शेल और सब एनर्जी लेवल. एंड एन गिव्स दी एक्चुअल ऑर्बिटल, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी से एन इज इक्वल्स टू वन, इफ एन इज इक्वल्स टू वन वी नो दिस थिंग. थोड़ा सा इसको हम मजीद फॉर्मुलाइज करते हैं. एल इज इक्वल्स टू, इफ एल इज इक्वल्स टू वन, एल की वैल्यू क्या होती है? एल इज इक्वल्स टू जीरो टू एम माइनस वन. एंड एम इज माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल. ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना. सो इफ एन इज इक्वल्स टू वन देर इज ओनली वन वैल्यू फॉर एल, दैट वुड बी जीरो. सो द वैल्यू ऑफ एम, इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो एम वुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. इफ एन इज इक्वल्स टू टू, इफ एन इज इक्वल्स टू टू एल वुड बी इक्वल टू जीरो एंड वन, राइट. सो इट हैज टू सब शेल्स. जीरो मीन्स टू एस एंड वन मीन्स टू पी. एंड दिस वॉज दिस जीरो वॉज वन एस. सो नाउ सेकेंड शेल, सेकेंड शेल हैज टू सब शेल्स 2s and second shell has two subshells 2s and 2p. And these two subshells, how many orbitals are present? 0 has no, s has no orientation. So we can say that would be 2s and 2p would have three different orientations. Those are minus 1, 0, plus 1, right? So in total there are four orbitals in second shell. Four orbitals in second shell. You can just simply calculate it from this formula as well. N square, if we put the value of n is equals to 2, so 2 ka square 4. Aur yahan se bhi hum dekh sakte hain ki second orbital has, second shell has 4 orbitals. 1, 2, 3, 4. This is 2px, this is 2py, this is 2pz. Likewise, if n is equals to 3, that means the values of l would be 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d. 3s would have no orientation, so 3s में एक ही orbital आएगा 3s, और इसको हम simply 0 लिख देते हैं. 1, ये कितने orbitals हो गए? Minus 1, 0, plus 1, and 2 means minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. So in total, how many orbitals are present in third shell? 1, if we count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 ka square 9. So that means total how many orbitals we have in third shell? 9 orbitals. Total 9 orbitals. Similarly, if we talked about fourth shell means 0, L, the values of L would be 0, 1, 2, 3. This is 4S, 4P, 4D, and 4F. So 4S would have only one orientation, 4P minus 1, 0, plus 1, 4D, the value of 4D is 2, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. And 3 is minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. So how many orbitals? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 ka square, 16. So that means in fourth shell, there are total 16 orbitals. And these are different orientations of these orbitals. Theek hai ji? So ye aapke paas इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो हम फाइंड करते जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेल पता लगता है, देन वी नो द सब शेल, एंड फाइनली वी नो द एक्चुअल ऑर्बिटल के विच ऑर्बिटल वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. वी नो द शेल, वी नो द सब एनर्जी लेवल. आपको शेल भी मालूम है, सब एनर्जी लेवल मालूम है, ऑर्बिटल मालूम है, बट हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ये पता लगेगा हमें स्पिन क्वांटम नंबर से. नाउ स्पिन क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता. जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एज ए न्यूट्रल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. दोज वर ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दोज वर द वेरिएबल्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. नाउ इट डिस्क्राइब्स द स्पिन फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है. एंड द आइडिया दिस केम इन 1925. It was suggested by Gauss-Smith that electrons while rotating around the nucleus also spin around their own axis. Electron, moving charge spins around its own axis. ये physics में भी आपने पढ़ा है. It generates its own magnetic field. ठीक है. तो ये वही वाला concept है कि electron जो है ये nucleus के around तो revolve कर रहा है but it also spins around its own axis and due to which it generates the magnetic field. ठीक है. Now it spins, it has an equal probability of rotating either clockwise or counterclockwise. यानी basically एक orbital में जो दो electrons मौजूद हैं. So let's suppose that this is an electron. ये हमने electron को represent किया है. ठीक है. तो ये किसी भी orbital में, let's say मैं इसको यहाँ पे ऐसे show कर देता हूँ कि this is the orbital. ठीक है. दिस इज़ दी ऑर्बिटल. तो ये आपके पास ऑर्बिटल में दिस इज़ दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऑर्बिटल है. दिस इज ऑर्बिटल. ठीक है. तो इस ऑर्बिटल में ये पहला इलेक्ट्रॉन आया. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ इक्वल ऑप्शन, इट हैज़ इक्वल चांसेस कि ये क्लॉक वाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉक वाइज भी रोटेट कर सकता है. लेट्स से इफ इट रिवॉल्व्स क्लॉक वाइज, इफ इट रिवॉल्व्स क्लॉक वाइज, लेट्स से इफ इट रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज. ठीक है. तो अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो इट जनरेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसने ये इट इज़ रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज. सो किसी भी ऑर्बिटल में जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास दोनों तरह से रिवॉल्व करने का इक्वल चांस होता है. बट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल कैन हैज टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट. तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, नाउ लेट्स से दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विच कम्स इन दिस ऑर्बिटल. अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे बोथ हैव नेगेटिव चार्ज, सो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द रिपल्शन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग काउंटर क्लॉकवाइज. ये काउंटर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा. ठीक है. सो दिस विल रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज. सो बेसिकली दिस इज अ स्पिन क्वांटम नंबर. किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वन ऑफ देम वुड रिवॉल्व क्लॉकवाइज एंड द अदर वन वुड रिवॉल्व काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है. सो जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा दैट वुड बी गिवन, एस की दो ही वैल्यूज होंगी. जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा उसको वैल्यू साइन होगी प्लस हाफ, और जो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा इसको वैल्यू साइन होगी माइनस हाफ. जी बेटा. अच्छा, अब इसमें लास्ट जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्पिन क्वांटम नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ रोटेशन. स्पिन क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज स्पिन रोटेशन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड दिस स्पिन कुड बी आइदर प्लस हाफ और इट कुड बी आइदर माइनस हाफ. ऑल राइट. अच्छा, अभी जो स्पिन है इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ के अलावा वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एरोज. इसको आप एरोज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक लेट्स से इफ वी हैव दिस ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, तो इफ आई ड्रॉ एन अपवर्ड एरो दैट मींस इट इज अ क्लॉकवाइज स्पिन एंड अ डाउनवर्ड एरो मींस दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. ठीक है जी. तो आप एरोज के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ और अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो. ऑल राइट. और कोई भी दो ऐसे इलेक्ट्रॉन विच हैव सेम साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम साइन ऑफ स्पिन आर सेड टू हैव और कॉल्ड पैरेलल स्पिन. दे आर कॉल्ड पैरेलल स्पिन. ठीक है जी. तो कोई भी दो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन सेम हो, जिनका साइन सेम हो स्पिन क्वांटम नंबर का, दे आर नोन एज पैरेलल, देयर स्पिन इज नोन एज पैरेलल स्पिन. ठीक है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट साइन ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग
ऑपोजिट साइन ऑफ स्पिन आर कॉल्ड पेयर्ड अप स्पिन पेयर्ड अप स्पिन और ऑपोजिट स्पिन। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज आइदर पेयर्ड अप स्पिन और ऑपोजिट स्पिन। सो इफ द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम साइन ऑफ स्पिन दे आर कॉल्ड पैरेलल स्पिन एंड इफ दे हैव ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट साइन ऑफ स्पिन देन इट इज कॉल्ड आइदर पेयर्ड अप स्पिन और ऑपोजिट स्पिन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वाई वी आर कॉलिंग इट पेयर्ड अप स्पिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई वी आर कॉलिंग इट अ पेयर्ड अप स्पिन बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव ऑपोजिट साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर which are spinning in opposite directions, they get paired up in an orbital. ठीक है जी, तो कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो जिनका स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगा ये हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर जाके पेयर्ड अप होंगे क्योंकि लाइक स्पिन या आप कह लें कि पैरेलल स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कभी भी एक ऑर्बिटल में एक साथ नहीं होंगे ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है, दोनों रिपल्शन करेंगे तो जो ऑपोजिट स्पिन होगा दे वुड कैंसल आउट दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर एंड दैट्स वाई दे कैन बी पेयर्ड अप इन एन ऑर्बिटल। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ये चारों क्वांटम नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिए, स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं दे बेसिकली गिव अस द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कहाँ पे पोजीशनड है, ये आपको ये चारों क्वांटम नंबर मिलके ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा बेटा, अब लास्ट में हम इसको ज़रा समराइज़ करते हैं और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे ये चारों बिल्कुल आपको मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की चारों क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस गिव्स अस द एनर्जी लेवल which energy level we are talking about, then azimuthal quantum number sub energy level और यहीं से आपको orbital की shape भी पता लग जाती है, then magnetic quantum number this gives us the actual orbital like if an energy level has multiple orbitals like p or d or f तो जो actual orbital जिसकी बात हो रही है वो कहाँ से पता लगेगा, magnetic quantum number से, and then the spin either it is spinning clockwise or it is spinning anti-clockwise। सो ये बेसिकली चार क्वांटम नंबर्स हो गए। दिस एनर्जी लेवल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब एनर्जी लेवल इज गिवन बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल, ऑर्बिटल एक्चुअल ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिनिंग इज गिवन बाय स्पिन क्वांटम नंबर। सो लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि इफ दिस इज द न्यूक्लियस राइट एंड लेट से दिस इज द फर्स्ट शेल, this is second shell, this is third shell and this is fourth shell। ठीक है, तो as we are moving away from the nucleus we are moving into the higher energy level, so fourth shell or fourth energy level would have more energy than third or second or first। now in first energy level there is only one sub energy level which is 1s। All right, in second energy level, there are two sub energy levels, 2s and 2p. In third energy level, there are three sub energy levels, 3s, 3p and 3d, 3s, 3p and 3d. Then in fourth energy level, there are four sub energy levels, 4s, 4p, 4d and 4f, 4s, 4p, 4d and 4f। ठीक है जी, तो हमने मेन क्वांटम नंबर यानी आप कह लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव अस दी मेन शेल द मेन एनर्जी लेवल, दिस कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन दी सब एनर्जी लेवल्स दिस कम्स फ्रॉम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। Now moving into the sub energy levels, we know this thing, एक sub energy level में भी orientation का difference आ जाता है, right? If it has multiple orbitals, so if we talk about now moving into the orbitals, if we talk about 1s, we know कि 1s में there is only one orbital,
that is s. Then in 2s there is only one orbital. 2p there are three orbitals, px, 2py, 2pz. All right, then 3s has only one orbital, 3p has three orbitals, 3d has five orbitals, 4s only one orbital, 4p three orbitals, 4d five orbitals, and 4f how many orbitals? 7. राइट सो ये आपके पास ऑर्बिटल लेवल तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया. देन इन ईच ऑर्बिटल देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑर्बिटल देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स विच वन ऑफ देम इज स्पिनिंग क्लॉक वाइज, द अदर वन इज स्पिनिंग एंटी क्लॉक वाइज. सो फाइनली वी रीच अप टू द इलेक्ट्रॉन कि आइदर इट इज स्पिनिंग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज. सो दिस दीज आर द क्वांटम नंबर्स विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉन, विच हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम. ठीक है जी. सो आप जस्ट सिंपल इसमें इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो आई होप अब ये क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा. एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. ठीक है जी बेटा, अल्लाह हाफिज़.